जिले भर में पिछले 2 दिनों से कोहरे का असर देखने को मिला, जिसमें लोगों को विजिबिलिटी की समस्या के साथ कड़कड़ाती ठंड में भी आंशिक कमी देखी गई। मौसम की बदलती यह परिस्थिति अब चिंता का कारण बन रही है। जिले में कई क्षेत्रों में शुक्रवार से लेकर रविवार की सुबह तक माहौल में कोहरा छाया रहा, जिसके कारण खासतौर पर रात्रि एवं सुबह के समय लोगों को दृश्यता की समस्या से सामना करना पड़ा। वहीं कोहरे के कारण ठंड भी अब कमजोर पड़ती नजर आई है। देखा जाए तो इस बार ठंड के सीजन में विगत वर्षों के मुताबिक ठंडक का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। वहीं ज्योतिष गणनाओं के अनुसार अब ठंड की विदाई का समय भी नजदीक आता जा रहा है। शास्त्र अनुसार हर साल 14 जनवरी से सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है और ठंड का असर भी कम होने लगता है। वहीं मौसम विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अब की बार ठंड का मौसम अपने पिछले आंकड़ों को भी नहीं छुपाया है और आगामी दिनों में भी किसी मौसमी गतिविधि के एक्टिव होने से कड़ाके की ठंड पड़ने के असर कम ही नजर आ रहे हैं। हालांकि अगले कुछ दिनों कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश के अनुमान बताए गए हैं, जिससे हवाओं में भी नमी के साथ ठंडक का भी एहसास होगा। गौरतलब है कि बारिश की विदाई के बाद से पिछले हर महीनों में लगातार आंशिक बारिश दर्ज की गई है। अनुमान यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस वर्ष ठंड के कम पड़ने के कारण आने वाले वर्ष 2024 में गर्मी अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मौसम और जलवायु का यह परिवर्तन अब चिंतन और मंथन का विषय बनने लगा है। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि धरती के तापमान में निरंतर इजाफा हो रहा है और इस तरह के परिवर्तन भविष्य में मानव के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जलवायु के इन परिवर्तनों को मानव त्रुटि का संकेत माना जा रहा है। कल से हम वर्ष 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्ष दर वर्ष हमारी जीवन शैली में नित नए परिवर्तन आते जा रहे हैं। इस नवीन वर्ष की शुरुआत के साथ हमारी SW24 न्यूज की पूरी टीम आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं तो प्रेषित करती ही है, साथ ही आप सभी से अपील करती है कि आगे हम सभी पर्यावरण के प्रति सजग रहे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो। एक बार पुनः हमारे चैनल की ओर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खरगोन ब्यूरो से दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।